नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बुंदेलखंड का सुप्रसिद्ध क्षेत्र श्री 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 1008 श्री बगाज माता मंदिर प्रांगण में शनिवार को वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी धर्मशाला में लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज जिला टीकमगढ़ के द्वारा दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर सहित अन्य दूर दराज से हजारों की संख्या में उपस्थित स्वजाति बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों पर अंकुश लगाने को लेकर सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से अपने अपने विचार दिए। इन सभी को कुप्रथाओं पर अंकुश लगाएं और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष जोर भी दिया जाए, इससे समाज आगे बढ़ेगा और विसंगतियों से बचे। सभी भाईचारे के साथ रहें और समाज के लोगों का सहयोग करें, तभी समाज में एकता का संदेश होगा और समाज आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बड़ा मल्हारा विधायक रामसिया भारती बगाज माता के दर्शन कर समाज के दशहरा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। छतरपुर जिले के सिद्ध शक्तिपीठ अंबार माता से लोधेश्वर मंदिर के पुजारी बगाज माता लोधी धर्मशाला समिति सदस्य और राजपूत लोधी सेना एवं ओबीसी महासभा कर्मचारियों, कार्यकर्ता, अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में सामाजिक बंधु समेत महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरस्वती माता और वीरांगनावंती लोधी के छायाचित्र पर फूलमाला अर्पित कर दशहरा मिलन कार्यक्रम शुरू किया गया। लोधी धर्मशाला में बगाज माता पर धर्मशाला समिति के द्वारा सभी के भोजन की व्यवस्था की गई। सभी ने समिति का बहुत धन्यवाद भी व्यक्त किया, जहां आपको बता दें कि सभी को भाईचारे के साथ रहना और समाज हित में काम करना ही समाज का विकास है। ब्यूरो रिपोर्ट, कमल राजपूत, जगत न्यूज 24, टीकमगढ़। जाति का नाम लेके ऐसा कहा गया था, लेकिन उससे भी उसका भी विराम लगाने के लिए कहा गया था कि यहाँ गाड़ी पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ लिखने की जरूरत है। तो हमारे राघवेंद्र चाचा जी ने बताया कि हमें जब वो कॉलम लिखे जनगणना में, तो उस कॉलम में हमें लोधी ही बना, ये महत्वपूर्ण। दूसरी बात यह है कि ये दशहरा हमारी सबके लिए तो है, विशेष आप लोग अन्यथा में नहीं ले जाना। जिस समय रावण का वध हो गया और मंदोदरी को पता चला कि मेरे स्वामी का वध हो गया है, और मंदोदरी उस रामातल में पहुंची जहां पर रावण का शरीर पड़ा हुआ था, मंदोदरी गई तो मंदोदरी ने रावण के शरीर को नहीं देखा, मंदोदरी ये देख रही थी कि ऐसे परम प्रतापी जो मृत्यु को भी अपने बस में किए थे, जिनके कान पाटी से बंधा रहता था, जिनके कहने से चंद्र सूरज उगते थे, ऐसे परम प्रतापी हमारे वीर पति को किसने मारा, वो केवल ये देख रही थी मंदोदरी। के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।